的时候。इस वक्त मैं वुजन के एंशिएंट टाउन पहुंच चुका हूं। ब्रिज के दोनों तरफ अगर आप देख ले तो उसी कदीम तर्ज की आबादियां हैं। एक ओरिजिनल वो एंशिएंट टाउन है और बाकी जो है इन्होंने अब जो आबादी की है वो भी उसी तर्ज की है। तो ये होता है टूरिज्म को प्रमोट करने का, और बजाय ये कि इन्होंने कदीम को गिराया होता, इन्होंने उसे आबाद रखा और नया जो डेवलपमेंट है, नई तर्ज की आबादियाँ जो है वो भी इन्होंने कदीम स्टाइल की बनाई है। इनकी टूरिज्म ब्यूटी आप देख लें। ये चाहते तो यहाँ पर मॉडर्न इलेक्ट्रिक कार भी दे सकते थे सयाह को, लेकिन इन्होंने वही साइकिल यहाँ पर दिए हुए हैं राइड के लिए। तो बहुत ही कोशिश कर रहे हैं अपने कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए। यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। चाइना 100 साल पुराना, किस तरह इनके टाउन थे, किस तरह इनका रहन सहन था। घर आप देख सकते हैं, कमरे आप देख सकते हैं, और भी बहुत जो चीज़ें इनके ज़ेरे इस्तेमाल थी वो भी यहाँ पर है। जगह को गिराना, तबाह करना बहुत ईजी है। इसको आबाद रखना, इसको उसी तरह मेंटेन रखना लोगों के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है, और ये सब भी चाइना ने मुमकिन करके दिखाया हुआ है। आप देख सकते हैं, ये चाहते थे तो यहाँ पर एडवांस बिल्डिंग बना सकते थे, डिजिटल लेफ्ट वगैरह कुछ सब कुछ मुमकिन था इनके लिए, लेकिन इन्होंने अपने कल्चर को, अपना कदीम एंशिएंट जो तर्ज का था इनका लाइफस्टाइल, उसको अभी तक जिंदा रखा हुआ है लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ पर अगर आप देख ले इस रिवर को, रोज़ाना पता नहीं हज़ारों लाखों की तादाद में लोग आते हैं, सयाह आते हैं, लोकल भी बहुत ज़्यादा आबादी है यहाँ पर। लेकिन रिवर को आप देख ले, आपको ना एक कागज़ इसमें नज़र आएगा, ना एक डब्बा नज़र आएगा। सफाई का इन्होंने कितना ख्याल रखा हुआ है। इस वक्त मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सिल्क का कीड़ा, वो कीड़ा जिससे सिल्क पिर बनता है, और ये बड़ा नायाब आइटम है, किसी ने शायद अब तक वीडियो में आपको नहीं दिखाया होगा। तो इस व्लॉग में आप सिल्क का कीड़ा भी देख सकते हैं। उस दौर में भी ये इतना मेहनत करते थे, ये आप देख सकते हैं कॉटन से ये अपना लिबास तैयार करते थे। तो इनका एक अलग अंदाज था बनाने का, इसको किस तरह बनाते थे, वो मशीनरी भी मैं आपको दिखाता हूँ। अपना ही इनका सेल्फ मेड गिटार है, ये आप देख लीजिए। एंशिएंट टाइम में चाइना के कुछ चीज़ें बहुत मशहूर है जो कि अभी भी उसी तरह क्वालिटी वाइज पूरे चाइना में फेमस है।
جس طرح ان کا سلک تھا، وائنز ہیں ان کے اور ٹی ہے، مختلف قسم کے چائے ہیں. اچھا، اس وقت وزن علیلہ میں بریک فاسٹ کا ٹائم ہے، ابھی جاگے ہیں اور بریک فاسٹ کریں گے. اس کے بعد تھوڑے ایریل شاٹ ہم آپ کو دکھائیں گے اس ہوٹل کے، کس طرح ہے، کتنا بڑا ہے یہ ہوٹل، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. میرے ساتھ رہیں گے. ارد گرد اگر آپ اس ہوٹل کو دیکھ لیں تو اس طرح لگ رہا ہے جس طرح کے ویئر ہاؤسز ہو، لیکن لوگ بہت شوق سے یہاں پر آتے ہیں، فوٹوگرافی کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، کیونکہ یہ ہے ایک اسپیشل طرز کا. تو اس ہوٹل کے صحن کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح پانی یہاں پر بھی جمع کیا ہوا ہے. یہ آج کل ٹرینڈ بن گیا ہے. کچھ چائنیز دوست بھی یہاں پر ہیں، کافی ہو رہا ہے، چائے ہے اور تھوڑا گپ شپ بھی ہو جائے. Hi, my name's Karen and we're just here for a weekend getaway and it's a really chill vibe and we really enjoy the view here, just here having coffee with my friends. ریسٹورنٹ کا ڈیزائن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، بالکل نایاب ہے. اس سے پہلے ہم نے اس طرح ڈیکوریشن نہیں دیکھا ہے، تو ٹیسٹ بھی زبردست ہوگا جس طرح ڈیکوریشن ہے. اس ہوٹل میں بھی بہت سارے سیکشن ہیں، سوئمنگ پول، سپا، لائبریری، صحن بھی اسی طرح ہے، پانی اس میں جمع کیا ہوا ہے. اور نائٹ ٹائم اٹریکشن آپ دیکھ رہے ہیں، جو لائٹ ریفلیکشن اس میں ہوتا ہے وہ بھی بے مثال ہے ان کا. یہ بھی فائیو سٹار ہوٹل ہے علیلہ، ویلا ٹائپ روم ہے اور بہت ہی کشادہ روم ہے. اس اینگل سے اگر آپ روم کو دیکھ لیں تو اس ہوٹل کو فائیو سٹار کہنا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بالکل سیون سٹار میں اس کو کہوں گا. روم آپ دیکھ لیں اور اس کا ڈیکوریشن آپ دیکھ لیں، ونڈرفل.